हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी पूरी तरह से ठीक हैं। ये सोमवार शाम का वीडियो है, तो शाम को जैसे हर शाम की तरह आज भी बेटी को पढ़ाने के बाद मैं डिनर बनाने जाऊँगी। तो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार क्या करती हूँ, सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, पर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं ग्राइंडर भी इधर ही रखी हुई है ना। अगर कभी कभार मसाला के लिए ग्राइंडर भी चलाती हूँ तो फिर वो गुस्सा जाती है, मामा इधर मत चलाओ बोलती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मसाला भले बाद में पीस लेती हूँ, पर क्या होता है कभी कभार सब्जी चीज़ों को कुछ टास्क दे के मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो नहीं करना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मेरा अपना ध्यान देती हूँ ना तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। अभी देखिए वो मुझे सुना रही है पढ़ पढ़ के, मुझे एकदम ध्यान उसी के ऊपर रखना होता है तभी जाके वो पढ़ती है। तो आज का वीडियो में अभी मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए बेटी को पढ़ा ली मैं और आ चुकी हूँ अभी डिनर बनाने के लिए। और साथ में जानते तो हैं आप लोग कि मंडे का जो दिन होता है हम लोग बिना प्याज लहसुन का खाते हैं सब कुछ। तो फिर आज ऐसा कुछ बनाऊंगी सोची कि डिफरेंट होगा। और जो जहाँ से हम लोग पनीर लेते हैं ना, वो लोग वो दिन को आए थे कि पूछ रहे थे कि पनीर चाहिए कि, हम बोले हाँ ला दीजिएगा। ऐसे में तो सब्जी भी बहुत सारा है, मतलब तरह तरह का सब्जी भी लाए हैं और पालक भी लाए हैं बाद में कल शाम को। तो फिर बोली कि इसका ही बनाते हैं कुछ अलग से। तो बिना प्याज लहसुन का पालक थोड़ा सा सबको ही अचपचाते हैं, पर जो पालक पनीर बनकर तैयार हुआ ना बहुत टेस्टी बना, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाई बिना प्याज लहसुन का पालक पनीर। तो इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं, पहले वीडियो तो बना रही थी पर सोच रही थी अगर अच्छा लगेगा ना तो ही शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कभी भी आज से पहले मैं बिना प्याज लहसुन का पनीर पालक पनीर नहीं बनाई थी, पर ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो जैसे नॉर्मली करते हैं हम लोग पालक पनीर में, पालक को पहले ऐसे ही पानी में थोड़ा सा ही जैसे पका देना है, क्योंकि फिर हम लोग इसको ग्राइंडिंग करेंगे तो पक जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग दीजिएगा, और ज़्यादा पकेगा ना तो फिर कलर भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, लाल मिर्च ली हूँ और साथ में काजू ले रही हूँ और टमाटर, इन सारी चीज़ों को पेस्ट बनाना है हम लोग को, क्योंकि अदरक थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ना के बराबर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, वरना वो होने से थोड़ा सा मसाला ठीक होगा और क्या। और वो बना ली मैं मसाला, और उसके बाद देखिए पालक भी बन चुका था, मतलब उसको ठंडा करने के लिए रखी। और उसके बाद आ गई पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और बिना फ्राई के ही पालक पनीर बनता है, पर जैसे मैं आप लोग को बताई कि बिना प्याज लहसुन का बनाना है तो फिर थोड़ा सा जैसे कुछ डिफरेंट बनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए पनीर को मैं हल्दी और नमक दी हूँ, भले आप फ्राई करो ना करो अगर, पर पनीर को बनाने से पहले नमक के साथ अगर थोड़ा सा मैरिनेट करके रखोगे ना तो पनीर के अंदर तक एकदम नमक लगेगा टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं जीरा और थोड़ा सा जैसे इलायची वगैरह थोड़ा सा दे दी तेल में, और उसके बाद जो पेस्ट बनाया है ना हम लोग टमाटर काजू सबका, तो वो पेस्ट को दे दिए। तो अभी काजू है मतलब चलाते हुए पकाना है इसको, वरना वो चिपकेगा। और हल्दी दे रही हूँ बस कलर के लिए, वरना ये सब चीज़ में हल्दी के बिना भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट लगेगा। तो फिर नमक दे दे रही हूँ, नमक स्वाद के हिसाब से देना है। और यहाँ पर देखिए मसाला भून चुका है अच्छी तरह से, और काजू का पेस्ट है तो नीचे बार बार चिपकता रहता है, आप लोग चलाते हुए पकाइएगा। और यहाँ पर हम लोग जो पालक का पेस्ट बनाए थे उसको मैं दे दी, और यहाँ पर जो बर्तन में लगा हुआ था थोड़ा सा उसका भी पानी दे दे रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बर्बाद नहीं करेंगे। पालक का पानी ऐसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा आयरन रहता है, बहुत अच्छा है शरीर के लिए भी पालक। तो ये देखिए पकाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग। पका लेने के बाद फिर हम लोग जो पनीर को फ्राई करके रखे थे उसको दे दिए, और नमक स्वाद के हिसाब से दीजिएगा। और मैं अभी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी दे रही हूँ जो कि आप लोग फास्टिंग में खा सकते हो, ऐसे वाला गरम मसाला पाउडर। तो अभी दे देने के बाद फिर हम लोग इसमें घी 1 चम्मच मिला दी, मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था घी तो देसी घी मिला रही हूँ, जिससे कि खुशबू साथ में टेस्ट दोनों ही बेहतर आए। तो देखिए उसके बाद मैं चलाते हुए फिर इसको थोड़ा टाइम के लिए रख दूंगी, जिससे कि हम लोग का सब्जी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाए। और इस टाइम जो है हम लोग थोड़ा सा मलाई दे देंगे, दूध का घर पर जो जमा हुआ रहता है ना मलाई उसी को दे दे रहे हैं, और धनिया पत्ता भी दे रही हूँ फिर मिला दी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ पालक पनीर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का डिनर हो गया, पालक पनीर बिना प्याज लहसुन का भी बहुत टेस्टी बना था। तो अभी हम लोग सोने के लिए आ गए हैं बेटी के साथ, और ये अपना न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग सो जाते हैं, ये वीडियो कल कंटिन्यू हो जाएगा, फिर सुबह मिलते हैं आप लोग से। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, सुबह फिर मिलेंगे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है यानी मंगलवार का। और अभी मेरा पूजा पाठ सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत टाइम था, अभी खाना बनाने में अभी समय है, तो फिर मैं बोली ये काम करती हूँ क्योंकि रूम का डीप क्लीनिंग हो गया था। बस इसके अंदर जो सेल्फ था ना, ये सब बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारा सामान था। ये सबको निकाल कर फिर सेट करना ना बहुत समय जाता। उस दिन संडे को मैंने पूरा रूम का क्लीनिंग किया था पर ये रह गया था, तो फिर इसका मैं बाद में करूँगी, छोड़ दी थी इसी वजह से। और कुछ कुछ ऐसा है ना, डियो वगैरह बहुत सारा इनको बहुत शौक है डियो खरीदने का और डियो लगाने का, तो फिर क्या करते हैं जहां भी जाएंगे डियो अपने लिए लेकर ही आते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी मेरे अलमारी में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ कुछ जिसमें थोड़ा बहुत भी बचा हो ना, वो सबको आज फेंकने वाली हूँ क्योंकि जगह नहीं बन रहा है। और इतना छोटा सा जगह में इतना सारा सामान को एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और कुछ कुछ सामान को यहाँ मेरे पास जगह होते हुए भी मैं नहीं रखती हूँ। ये पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 सेल्फ है, फिर नीचे इसका और एक है। यहाँ पर तो मिरर के पीछे इतना है और बेटी अपना पढ़ाई कर चुकी थी, तो फिर यहाँ पर आके बोली ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं आप काम करो, मैं यहीं पर लेटी हुई हूँ। तो साइड में वो लेटी हुई थी, मैं यहाँ पर सबका डेट देख रही हूँ, बहुत सारा फेशियल क्रीम वगैरह सब कुछ है रखा हुआ था, तो ये सबको आज मैं फेंकूंगी। और कुछ का तो जनवरी में है, किसी का लास्ट डेट, और किसी का मार्च में है, वो सबको भी फेंक दे रही हूँ आज क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं लगाऊंगी कब, इतना साल में, मतलब इतना दिनों में जो नहीं लगाई, और लगता है कि आने वाले दिनों में और 2-3 महीना में लगाऊंगी, तो ये सोचकर मैं फेंक रही हूँ। और सब कुछ मतलब अच्छा कंपनी का है, मतलब क्या बोलूँगी, ये अच्छा अच्छा चीज़ देख के मेरे लिए ला देते हैं। कुछ का मैं यूज ही नहीं करती हूँ, बहुत ऐसे लोटस हो गया आपका, मामाअर्थ का, ऐसे यही चीज़ मतलब ज़्यादा मेरे पास रखा हुआ रहता है, तो यही सब का मैं फेंक दूंगी। और फेसियल का भी बहुत अच्छा क्या गोल्ड का एक रखा हुआ था, तो ये सबको फेंकूंगी। देख रहे हैं यहाँ पर, देख रही हूँ कि किसमें कितना बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा है, और जो थोड़ा से ज़्यादा है ना वो रख रही हूँ, आधा से थोड़ा सा कम होने से फेंक रही हूँ। तो वजह बताई ना आप लोगों को कि जगह बिल्कुल भी नहीं है और कितना बिखरा पड़ा है, देख रहे हैं। और सारा सामान यहाँ पर फोटो फ्रेम हटाई क्योंकि सामान को इधर उधर करते करते ना मेरा पूरा उधर भी बिखर जाएगा, तो बोले नहीं पहले ये सब को सेट करूंगी फिर वापस से जैसे था वैसे रखने वाली हूँ। यहाँ पर देख रही हूँ डेट वगैरह, चलो फेंकते हैं सोचकर एक एक चेक कर रही हूँ। और ये आएंगे ना ढूंढते रहेंगे कि कहाँ, इधर से लाया था उधर से लाया था, कहाँ रख देती हूँ ये सब मेरा, ऐसा बोलते हैं मुझे। मैं बोलती हूँ उन्हें फेंक दे रहे हैं क्योंकि मुझे और ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सामान हैं, बेटी भी यूज कर लेती है कभी कभार, हम लोग को देखे ना जो उसको अच्छा लगता है डियो वो भी लगा लेती है, तो लगाए वो दिक्कत नहीं, पर क्या होता है कि खत्म हुए बिना वो सबको रख देते हैं ना, तो उससे दिक्कत हो जाता है। सेल को डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने सारा सामान को ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब सेकंड सेल्फ की बारी है। इस तरह से मैंने सारा सेल्फ को अच्छे से क्लीन करके रख लिया है और अब मिरर को भी पोछा लगा लो। बस मैं दिखाती हूँ आप लोग को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है अपना ड्रेसिंग टेबल को। तो ये देखिए ऊपर का जो सेल्फ रहा उसमें मैं अपना डीओ और सेंट जितना था वहीं पर रखी, बस थोड़ा सा जगह बच गया था तो उसमें मैंने मॉइस्चराइजर और अपना स्ट्रिक्स को रख लिया है, और यहाँ पर कुछ नहीं रख रही हूँ, बस इतना ही। और अब बारी आती है सेकेंड सेल्फ की, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना अभी फिलहाल जो क्रीम और क्या कहते हैं उसको, जो कुछ ये सब है अभी अभी जो कुछ नया नया सामान आया है ये सबको रखी हूँ। और यहाँ पर एक मेरा जो अभी यूज होने वाला है बॉडी लोशन वगैरह, यही सबको यहाँ पर, और कुछ नहीं रखा गया। नाइट क्रीम वगैरह वहाँ रखा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा जो एक्स्ट्रा सामान होता है और यूजली आता है यहाँ पर देखिए एक्स्टेंड में मैंने रखा हुआ है कैंची वगैरह, और साथ में आपका आई लाइनर वगैरह उधर, और एक में कॉम रखा हुआ है। और ये नीचे वाला जो सेल्फ है वहाँ पर बॉक्स सिस्टम कर लिया है मैंने इस तरह से, इसमें जितना गर्डर होता है आपका क्लिप वगैरह इस तरह से अलग अलग पार्टीशन करके रखा हुआ है, और छोटा सा एक मिरर है जो कि मुझे यूज में आता है। तो ये देखिए मुझे अभी छत से सारा कपड़ा लेकर जाना है, फिर फोल्ड करके रखना है, और आज दिन भर रेस्ट नहीं हुआ। ऐसे जब से ठंडा गिरा है ना दिन को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि एक काम खत्म करते करते ना पूरा एकदम से शाम हो जाती है, मतलब 3:30-4 बज गया, मतलब पूरा मौसम नरम हो जाता है, ठंडा लगने लगता है, फिर वापस से खिड़की को बंद करो ये करो वो सब के चक्कर में। मैंने तो आज खिड़की खोला ही नहीं क्योंकि उसी में ही पूरा रूम ठंडा हो जाता है और मच्छर भी शाम को आने लगे हैं रूम के अंदर, तो इसी वजह से। और मैं अभी जाके ये सबको फोल्ड करूँगी। तो चलिए ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।